एक जमाना यह था जब स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आपको ज्यादातर फोन्स में देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीजों में काफी ज्यादा बदलाव आया। मीडियाटेक ने मार्केट को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रखा है, तो क्या स्नैपड्रैगन इस बैटल को हार गया? वेल, एक बात बताऊं, पिछले कुछ समय में स्नैपड्रैगन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। जो पुराने चिप्स थे वो सारे अब जा चुके हैं और एक नए टाइप के जो प्रोसेसर होते हैं उसका यहाँ पे जमाना आ रहा है, और लग रहा है कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है ना, वो एक काफी बड़ा कमबैक करने वाला है। अब हाल ही में अगर मैं बात करूं तो स्नैपड्रैगन में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहला चेंज ऑब्वियसली TSMC की प्रोसेस के ऊपर जाना, जिस कारण से मोबाइल फोन्स के अंदर जो चिप्स आएंगी वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगी, बैटरी अच्छी मिलेगी, प्लस आपको हीटिंग भी कम देखने को मिलेगी। ये एक काफी बड़ा एडवांटेज है जो रिसेंटली जो स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर आ रहे वो देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे स्नैपड्रैगन के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर आते हैं, जैसे 8 Gen 3 की बात करें, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल सकता है। लेकिन बात करें बाकी प्रोसेसर का क्या, क्योंकि हर कोई यहाँ पे सबसे महंगा फोन नहीं ले सकता जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर हो, और ज्यादातर जनता जो रहेगी वो 20,000-30,000 रुपए का फोन लेगी, और उनके लिए भी जो प्रोसेसर है वो भी यहाँ पर अब आ चुके हैं। देखो, सबसे पहले तो क्वालकॉम की जो नेमिंग स्कीम है स्नैपड्रैगन की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जब 400, 600, 700, 800 सीरीज आती थी, ये सब चीजें पास्ट की हो चुकी है और उनका एक नया अवतार आ चुका है जो कि होगा 4th Generation सीरीज, 6th Generation, 7th Generation और 8th Generation। अगर मैं स्नैपड्रैगन 4th Gen की बात करूं तो इससे पहले आपने 4th Gen 1 को देखा था, ऑब्वियसली उसका सक्सेसर भी यहाँ पर आएगा, और ये बिल्कुल ही बजट स्पेसिफिक चिप्स हैं जो आपको अंडर 15,000 रुपीस के फोन्स में देखने को मिलेंगी और 5G कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करेंगी और एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगी। इसके साथ ही 6th Generation की सीरीज है, एग्जाम्पल बात करें 6th Gen 1, इसके भी सक्सेसर आगे देखने को मिलेंगे, और ये चिप्स वो है जो अंडर 20,000 रुपीस के प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे अच्छी चीजों को डिलीवर करेंगी और एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना, वो आ रहा है 7 सीरीज के साथ। जैसे 7th Gen 1 आई थी लास्ट ईयर, 7+ Gen 2 काफी अच्छी चिप थी, ऐसे ही 7th Gen 3 आपको देखने को मिली है। ये बात करते 20,000 से लेकर 35,000 का सेगमेंट वाले जो फोन है उनके अंदर देखने को मिलेगी, और ये मिड रेंज की एक ऐसी चिप्स है जो ज्यादातर जो मीडियाटेक के डिमेंसिटी प्रोसेसर आ रहे हैं ना उनसे कम्पीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालकॉम लगातार अच्छे प्रोसेसर को यहाँ पे निकाल रहे हैं। और वही बात करें फ्लैगशिप में, तो ऑब्वियसली 35,000 अबव रेंज में आपको स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज के प्रोसेसर है, जिसमें 8 Gen 2 है, 8 Gen 3 है, और रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है 8S Gen 3, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। अब देखा जाए तो नेमिंग स्कीम को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो प्लस मॉडल होता है वो एक ओवरक्लॉक वर्जन होता है और उसके अंदर आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, जैसा हमने 8+ Gen 1 के साथ देखा था, या फिर मैं कहूँ 7+ Gen 2 के साथ देखा था, उसकी परफॉर्मेंस 8 Gen 1 को भी मैच कर रही थी। तो हाँ, एक ऐसी चीज है जो प्लस वाले मॉडल्स होते काफी ज्यादा सुपीरियर होते हैं, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद जो नीचे वाला मॉडल आता है वो आता है आपका बेस, जैसे कि 7 Gen 3 या 8 Gen 3 की बात करें या 8 Gen 2 की बात करें, वो बीच में रहती है जो बैलेंस प्रोवाइड करती है, और एक एस वर्जन भी निकाला है, जैसे कि हाल ही में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, जिसका काम ये है कि जिसे हम यहाँ पर एक छोटा भाई कह सकते हैं इस बड़ी चिप का, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ 8S Gen 3 यहाँ पर क्या है, 8S Gen 3 यहाँ पर एक ऐसी चिप निकल कर आई है जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और 8 Gen 3 के बीच की चिप है। यानी कि जहाँ 8 Gen 2 के फोन आज के समय में 35 से लेकर 40,000 तक शुरू हो रहे हैं, 8S Gen 3 की जो प्रोसेसर वाले फोन्स होंगे उनकी कीमत 40,000 से लेकर 50,000 तक जाएगी, और 50,000 के ऊपर आपका स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो रहेगा वो यहाँ पे काम करेगा। यानी कि जो S लाइनअप आ रही है ना, वो जो पूरी लाइनअप रहेगी उसके सबसे नीचे प्लेस की जाएगी। तो प्लस हो गया, नॉर्मल हो गया, एस हो गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हाँ, क्वालकॉम का जो नॉमेनक्लेचर है वो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं कि अब अच्छे प्रोसेसर वो निकाल रहे तो यहाँ पे मीडियाटेक से लड़ पाएंगे, क्योंकि मीडियाटेक के बहुत सारे प्रोसेसर है और उनसे लड़ने के लिए क्वालकॉम ने भी अपने धीरे धीरे प्रोसेसर मार्केट में उतार दिए, और 7 सीरीज के जो प्रोसेसर है मार्केट में आना ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो भी चुके हैं। पोको के अंदर हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, अपकमिंग 1+ का Nord CE 4 आने वाला है उसके अंदर हम अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे, और 8S Gen 3 आपको अपकमिंग पोको के फोन में देखने को मिल सकती है, जो शायद पोको F6 हो। अब देखा जाए तो इन चिप्स की एक और खास बात है जो अब नए प्रोसेसर यहाँ पे आ रहे हैं, वो होगी AI की। अब AI एक ऐसा बज़वर्ड है जो पिछले एक साल से हम सुन रहे हैं, और मोबाइल फोन्स में अब AI धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं, और क्वालकॉम ने भी इसके अंदर एक लीड ले रखी है। सबसे पहली चीज, AI के लिए डेडिकेटेड उन्होंने पार्ट्स यहाँ पे डेवलप करे, जबकि जिससे रहेगा कि यहाँ पे जो प्रोसेसर होगा वही AI को आपके डिवाइस के अंदर हैंडल कर सके,
और यहाँ पर मैं बस चैट बॉट वगैरह नहीं कर रहा कि एक चैट बॉट यहाँ पर आ गया। मान लीजिए अगर आपने इमेज क्लिक करी, इमेज को एक्सपेंड करना है यानी कि वो एरिया भी दिखाना है जो आपने कैप्चर नहीं किया, तो AI का यूज करके इमेज जनरेशन और इमेज एक्सपेंशन पॉसिबल है, जिसके अंदर जो इमेजेस के जो पार्ट एग्जिस्ट नहीं करते वो करे जा सकते हैं यहाँ पे क्रिएट। इसके साथ ही अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया, आपको एक लाइव इमेज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही करंट जो फोटोग्राफ्स और इमेजेस आप लेते उनको पहले से ज्यादा बेटर कैसे बनाया जाए, इन काफी सारे ऐसे यूज केसेस हैं जहां पर AI का यूज किया जा रहा है। और एक बात बता सकता हूँ, AI अभी हमने गैलेक्सी S24 सीरीज में देखी थी और ये AI अब धीरे धीरे और ज्यादा इवॉल्व करेगी और ज्यादा फोन्स के अंदर आपको यहाँ देखने को मिली। और उसके बाद जब ये AI एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे पहुंच जाएगी तब मोबाइल फोन के अंदर ही ये प्रोसेसिंग कर पाएगी। जहां पहले डेटा सेंटर और क्लाउड के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है ना, वैसी AI की टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के अंदर रहेगी, जिसके अंदर मोबाइल को आपका डेटा बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, सारा का सारा काम हो पाएगा। इस चीज में भी स्नैपड्रैगन काम कर रहा है और हम मीडियाटेक ने भी इसके कुछ यहाँ पे डेमोज वगैरह दिखाए, तो कुल मिला के वहां पर भी एक अच्छा काम हो रहा है। इसके साथ ही लेकिन एक बात करनी जाए तो स्नैपड्रैगन के कमबैक की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर ज्यादातर फोन जो अवेलेबल है वो मीडियाटेक डिमेंसिटी की चिप्स के थे, और उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये था कि मार्केट के अंदर जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स थे वो इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। लेकिन 2024 में एक बात देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोसेसर सब अवेलेबल हो रहे हैं हर प्राइस रेंज के अंदर, चाहे हम 7+ Gen 2 को देखें, 7 Gen 3 को देखें, 7 सीरीज के प्रोसेसर यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से आ रहे हैं और 8 सीरीज के भी आ रहे हैं, जिस कारण से मार्केट में जो कंपनीज है अब वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का यूज करके मोबाइल फोन्स को मार्केट में उतार सकती है। और स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक को जब कंपेयर करते हैं ना, तो कुछ 2-4 ऐसी चीजें जहां पे स्नैपड्रैगन आगे निकलता है। पहली चीज, कस्टम रोम डेवलपमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के अंदर। दूसरी चीज, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के अंदर आपको 5G मोडेम्स अच्छे देखने को मिलते हैं, जिस कारण से कनेक्टिविटी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि क्वालकॉम ने 5G के अंदर भी काम किया था। प्लस जो यहाँ पे एप्पल का आईफोन होता है उसके अंदर भी जो 5G मोडेम होता है वो भी क्वालकॉम ही प्रोवाइड करती है, तो 5G कैपेबिलिटीज के अंदर एक बेनिफिट है। इवन रिसेंटली एयरटेल भी जो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पे काम कर रही है, वहां पर भी वो क्वालकॉम के साथ काम कर रही है, तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ एक एडवांटेज वहां पर है। अगला एडवांटेज होगा इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। हमें पता है मोबाइल फोन आप लोगों ने लिया तो आप बहुत ज्यादा इमेजेस क्लिक करोगे, लेकिन ये सारी जो इमेजेस अगर आपको बेस्ट क्वालिटी में चाहिए तो इमेज सिग्नल प्रोसेसर पे बहुत चीजें डिपेंड करती है। मीडियाटेक अच्छा है, लेकिन काफी सारी कंपनीज मीडियाटेक के ऊपर कई बार रिलाय ना करते, अपनी खुद की चिप्स डालती जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह कर सके, जैसे वीवो वगैरह में देखा है। लेकिन क्वालकॉम की इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग काफी अच्छी रहती है, तो वाइक एडवांटेज है। इसके साथ ही TSMC की प्रोसेस के ऊपर बना रहे हैं और धीरे धीरे अपने आपको वहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा खेल रहेगा जहां पे स्नैपड्रैगन कमाल के प्रोसेसर को उतार सकता है। और देख के लग रहा है कि अब जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आना शुरू हो गए, अपकमिंग जो दूसरे प्रोसेसर आए वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहेंगे। इवन इसी साल प्लान है कि क्वालकॉम वाले इसी साल अपना स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 लॉन्च करेंगे, जो स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला पहला प्रोसेसर होगा जो 3nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। और 3nm का इंपॉर्टेंस ये है कि अभी तक मार्केट में 3nm वाला कोई प्रोसेसर अगर आपको यूज करना है तो A17 Pro यूज करो, क्योंकि iPhone 15 Pro में ही ये चीज अवेलेबल थी। इसका पीछे का रीजन ये था कि TSMC का जो 3nm का जो यील्ड होता है उसके अंदर से 85% एप्पल ने खरीद लिया था, इसलिए क्वालकॉम के पास बचा नहीं। लेकिन इस साल क्वालकॉम 3nm के चिप्स को एक्वायर करके उसे जल्दी से जल्दी मार्केट में लाना चाहती है, और सुना है कि शायद अक्टूबर नवंबर तक ही ये प्रोसेसर अवेलेबल और इवन इसी साल इसके फोन्स भी देखने को मिले, तो वो एक एडवांटेज रहेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 के साथ। लीक्स वगैरह आना चालू हो गए, देखने वाली बात है कैसा रहता है, और अगर 3nm के प्रोसेसर एंड्रॉइड फोन्स में आना अगर चालू हो गए तो क्या ही रहेगा ये बात। खैर, ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे क्वालकॉम वहां पे लीड कर रहा है, लेकिन इसके अलावा 2-4 और चीजों के बारे में बता देता हूं। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ये ऑलरेडी आपके 4-व्हीलर और 2-व्हीलर्स में आना शुरू हो चुके हैं। महिंद्रा जैसी कंपनी ने भी अपनी गाड़ियों के अंदर स्नैपड्रैगन की चिप्स को लगा रही है। इवन जो ओला स्कूटर आता है उसके अंदर भी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, और जो एथर का स्कूटर आता है उसके अंदर भी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो वहां पर एक एडवांटेज है इनके पास। अगला एडवांटेज आता है इनके पास यहाँ पे AR और VR ग्लासेस का। मेटा क्वेस्ट 3 आता है वो भी स्नैपड्रैगन के XR प्लेटफॉर्म वाले जो चिप्स होती है उसके ऊपर चलता है। और डेफिनेटली मार्केट में आपको जितने भी AR VR ग्लासेस होंगे ना, इनके अंदर भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिससे यहाँ पे मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं और एक काफी बड़ी मार्केट के अंदर लीड ले सकते हैं, क्योंकि अभी एप्पल का विजन प्रो है लेकिन एंड्रॉइड के साइड से कोई कंपनी अगर निकाल लेगी तो वापस स्नैपड्रैगन आ सकता है। इसी के साथ ही बात कर तो PC इंडस्ट्री को भी रिवोल्यूशनाइज करने का प्लान है स्नैपड्रैगन X Elite प्रोसेसर के साथ। हालांकि ये प्रोसेसर के डेमोज वगैरह हमने देखे हैं और कहा गया है कि एप्पल की M1 और एप्पल सिलिकॉन को बीट कर सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में किस तरीके से बीट करेगा, किस तरीके से काम करेगा,
ये एक देखने वाली बात है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में काफी बड़े चेंजेस है। काफी ज्यादा लाइनअप कंफ्यूजिंग हो गई थी, प्रोसेसर्स भी आपको पता है कि 888, 8 Gen 1 में क्या हालत रही थी, लेकिन 2024 में देख रहा हूँ कि इस साल स्नैपड्रैगन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रही है और सोचा कि स्नैपड्रैगन अगर एग्रेसिव हो रही है तो उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। प्लस जैसे जैसे इसके फोन्स मार्केट में आएंगे उनके ऊपर भी मैं वीडियो आपको टाइम टू टाइम बनाकर बताता रहूंगा, तो उसके लिए आप यहाँ बने रह सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुन दो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।